अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेजेस रेट बट फेल्स टू गेट अ जॉब, इट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जब कोई व्यक्ति एक उचित मजदूरी दर पे काम करने की इच्छा रखता है लेकिन वो जॉब प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं, या बेरोजगार. अनएम्प्लॉयमेंट की हिंदी में बोलते हैं बेरोजगार कहलाते हैं. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार सीजनल, डिसगाइज्ड, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फिक्शनल. द अनएम्प्लॉयमेंट विच जनरेट्स ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजन इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा बेरोजगारी जो कि सीजन के दौरान उत्पन्न होता है वो आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. इसके लिए हम एग्रीकल्चर को समझ सकते हैं. एग्रीकल्चर में कुछ मंथ फिक्स होते हैं, उसके बाद बाकी कुछ महीने किसान को फ्री बैठना होता है, वो बाकी महीनों में प्रोडक्शन नहीं कर सकता है. वेन मोर पीपुल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, इट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जब किसी कार्य को आवश्यकता से अधिक लोगों के द्वारा किया जाता है तो वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. मतलब कहने का यह है कि 2 हेक्टेयर की जमीन है, उसमें 3 लोग के द्वारा ही सारा काम किया जा सकता है, उससे प्रोडक्शन रेट में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन उसमें 5 लोग काम करते हैं तो वो 2 लोग जो हैं वो क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वहां पे उनकी पोटेंशियल यूज नहीं हो पाती है. वेन तीसरा है आपका, वेन द इकोनॉमिक फेल्स टू जनरेट इनफ जॉब्स, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट. जब हमारी इकोनॉमिक जो है पर्याप्त मात्रा में जॉब जनरेट नहीं कर पाती है तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. कहने का मतलब है कि लोग ज्यादा हो, जॉब करने वाले ज्यादा हो और जॉब कम हो तो वो उस कंडीशन में भी लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं. द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन इन एन इकोनॉमिक, इट कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा बेरोजगार जो इकोनॉमी में कमी करता है, राश उत्पन्न करता है, वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. इसको आप एग्रीकल्चर के थ्रू समझ सकते हैं. उसमें क्या है कि 5 लोगों का काम 8 लोग कर रहे हैं तो वो 3 लोगों का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो कम हो जाता है. तो इससे क्या हो रहा है, वो हमारे इकोनॉमी में डिप्रेशन हो रहा है, मतलब त्रास हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, द पीरियड बिटवीन चेंजिंग द जॉब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. जब एक जॉब से दूसरे जॉब को चेंज करने में, मतलब किसी व्यक्ति को आप मैनेजर बनाए हो फिर बाद में कर्मचारी बनाओ, उस बीच में जो टाइमिंग का गैप होता है, जितने टाइम के लिए वो इंसान फ्री होता है, वो क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.